हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज वीडियो शुरू करने से पहले टुडे आई वांट टू कन्वे माय हार्टेस्ट कंडोलेंस टू ऑल द मार्टियर्स ऑफ इंडियन आर्मी सोल्जर्स एट गलवान वैली। जय हिंद। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वीडियो। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एक्सरसाइज 7.2। बिफोर गोइंग टू द एक्सरसाइज, मैं आपको बताने वाला हूं कि पूरे इनडेफिनेट इंटीग्रल को हम पांच हिस्सों में, फाइव पार्ट्स के अंदर करते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड, जो हमने एक्सरसाइज 7.1 में किया। यानी आपको जिनका डायरेक्टली इंटीग्रेशन मालूम है, यू जस्ट डू इट। वैल्यू लिखी हुई है एग्जैक्टली, उसका आंसर अपने को मालूम होता है एंड आंसर आ जाता है। सेकेंड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लास 10th में आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में किया था कि एक जगह से वैल्यू उठा करके रखते थे। सो यहां पर भी और साइंस में भी आप सब्स्टिट्यूट करते थे वैल्यूज, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो डबल डिस्प्लेसमेंट, समथिंग लाइक दैट। ऐसे ही यहां पर हम करने वाले हैं सब्स्टिट्यूट, यानी कोई एक वैल्यू उठा करके हम वैल्यू पुट करेंगे। इसी सब्स्टिट्यूशन के अंदर एक स्पेशल सब्स्टिट्यूशन भी है। स्पेशल सब्स्टिट्यूशन मींस कि वहां पर वो फिक्सेशन होगी कि ये ही करोगे तो आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं। थर्ड वन इज बाय पार्ट्स इज द प्रोडक्ट रूल फॉर द इंटीग्रेशन। बाय पार्ट्स का मतलब है प्रोडक्ट रूल ऑफ द इंटीग्रेशन। नंबर फोर, स्पेशल फॉर्म्स। देयर विल बी सम फिक्स्ड फॉर्मुलास, उसी जैसा आपको अपना क्वेश्चन उस फॉर्मूले की शेप में बनाना होगा या बना हुआ होगा। सो यू विल डायरेक्टली पुट दैट फॉर्मूला एंड यू विल गेट द आंसर। एंड नंबर फाइव इज द पार्शियल फ्रैक्शन। सो ये पांच हिस्सों के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इंटीग्रेशन को। और आज हम जो बात करने वाले हैं, ये हमने कर लिया है 7.1 में। आज हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की, यानी एक्सरसाइज 7.2 सब्स्टिट्यूशन मेथड आज डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 7.2। सो विल हैव क्वेश्चन नंबर वन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, और यहां से हम समझेंगे कि हमें कैसे पता चले व्हाट टू सब्स्टिट्यूट, क्या चीज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज इट इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वी हैव टू इंटीग्रेट एंड वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो अब आपको देखना क्या है यहां पर, कैसे आपको पता चलेगा कि क्या चीज सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप गौर कीजिए, जो ये डिनोमिनेटर है इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है ऊपर। सो वी विल पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। इफ आई डिफरेंशिएट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड दिस इज dy बाय dx, मींस 2x इंटू dx विल बी dy। सो दिस 2x इंटू dx विल बिकम dy एंड दिस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज योर y। सो दिस हैज बिकम 1 बाय y dy। सो 1 बाय y dy एंड वी नो द इंटीग्रल ऑफ 1 बाय y, दैट इज log of y and plus c as the constant of integration, but this is not your answer। क्यों? क्योंकि आपको y की वैल्यू वापस पुट करनी है जहां से आपने स्टार्ट किया था। सो दिस विल बी log of 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, दिस इज योर आंसर। सो नाउ लेट्स हैव फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। हम करते हैं इसमें से एक क्वेश्चन नंबर थ्री। एक क्वेश्चन नंबर थ्री डिस्कस करते हैं, आपको क्लैरिटी आती चली जाएगी सब्स्टिट्यूशन मेथड की। वेरी इजी मेथड, वेरी इंटरेस्टिंग, और इंटीग्रेशन आपको इजी लगनी शुरू हो जाएगी। द क्वेश्चन सेज 1 ओवर एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स डीएक्स। सो हमें इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। अगर आप ध्यान से देखें, नीचे
पूरे डिनोमिनेटर में से वन एक्स कॉमन आ रहा है तो इट विल बी वन बाय एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स डीएक्स। अब अपने को यह मालूम है लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है वन बाय एक्स और वन का डेरिवेटिव जीरो है तो डायरेक्टली विल पुट वन प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई एंड विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डेरिवेटिव ऑफ वन कॉन्स्टेंट टर्म इज जीरो लॉग एक्स इज वन बाय एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स मीन्स वन बाय एक्स डी एक्स हैज कम एज डी वाई। सो दिस वैल्यू हैज बिकम डी वाई एंड दिस वैल्यू हैज बिकम वाई। सो दिस हैज कम वन बाय वाई डी वाई एंड इट्स इंटीग्रेशन इज लॉग ऑफ वाई प्लस सी बट वाई इज वन प्लस लॉग एक्स लॉग ऑफ वन प्लस लॉग एक्स एंड प्लस सी। अब कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमारे आंसर्स डिफरेंट आ जाते हैं। आंसर्स डिफरेंट कैसे आ सकते हैं? अब मान लीजिए किसी ने वन प्लस लॉग एक्स की जगह पे केवल लॉग एक्स को ही पुट किया है। सो अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मैं सिर्फ लॉग एक्स को वाई पुट करता वन बाय एक्स डी एक्स वुड हैव कम एज डी वाई और ये क्वेश्चन बन जाता आपके पास डी वाई अपॉन वन प्लस वाई। सो वन प्लस वाई तो क्या आएगा आंसर? विल बी लॉग ऑफ वन प्लस वाई प्लस सी। अब y को वापस रखेंगे यू गेट दी सेम आंसर। सो टेंशन नहीं लेनी है, आंसर थोड़े बहुत डिफरेंट भी आ सकते हैं और वैल्यूज भी आप डिफरेंटली पुट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। जो आपको उस वक्त इजी नजर आए उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बात के ऊपर। नाउ लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 5 विच सेज दैट फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी एंड डी एक्स। अब यहां पे आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो आप साइन पुट करें क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस है और कॉस का डेरिवेटिव साइन, आपकी विश है आप किसको पुट करते हैं। सो आई एम पुटिंग हियर पुट साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू वाई। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल इंटू डी एक्स एंड डी वाई। सो मेरे पास कॉस और ये डी एक्स चाहिए मुझे, ये a नहीं चाहिए तो ये a को हमने क्या करें इधर मल्टीप्लीकेशन में था तो इधर डिवीजन में आ जाएगा आपके पास। सो ये आपके पास बन गया y, ये बन गया dy by a। सो वन बाय इज कॉमन एंड दिस हैज बिकम y dy और y का इंटीग्रल इज वन बाय a इंटू y स्क्वायर बाय टू प्लस c। So this has come as 1 by 2a और y की जगह पे वापस sin ax plus b whole square plus c। So your answer is 1 by 2a sin square ax plus b plus c। अगर आप cos put करते तो answer different आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, both the answers are correct और कोई दिक्कत नहीं आती है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने एल्जेब्रिक फॉर्म्स देख लिए हैं, आपने थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म देख ली हैं, आपने लॉगरिथमिक इंटीग्रल देख लिया है। नाउ लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू द पावर 2x प्लस 3। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं और बाय सब्स्टिट्यूशन भी। तो हमने यहां पे पुट कर दिया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y। सो दिस विल बिकम एज इसका डेरिवेटिव आ गया 2 dx इज इक्वल टू dy मींस dx हैज बिकम dy बाय 2 एंड दिस हैज बिकम e रेज टू द पावर y इनटू dy बाय 2। 1 बाय 2 इज कॉमन, e रेज टू द पावर y dy and integral of e raised to the power y is again e raised to the power y and plus c।
So we'll put the value of y again, and our answer will be 1 by 2 e raised to the power 2x plus 3 plus c. As this exercise is little longer, so we'll have one more video on exercise 7.2. So first, 20 questions you can do by looking on these questions. So पहले 20 questions अगर आप कर लेते हैं, तो अगले वीडियो के अंदर हम next questions के बारे में बात करेंगे. Thank you very much.